तो आपका प्यार के बारे में क्या कहना है? प्यार के बारे में अरे प्यार तो करते हूँ मैं, समझे, घर वाले से प्यार करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। तो प्यार करना क्या अच्छा है या बुरा है? नहीं, प्यार करना अच्छी बात है, बुरा नहीं है, ना बुरा है ना अच्छा है। लेकिन आज के टाइम में जो पुरानी तरह की मोहब्बत थी, आज के टाइम में कोई नहीं करता वैसा प्यार ना? नहीं, वैसा कोई नहीं करता। जो पहले मोहब्बत थी पहले लोगों की, वो मोहब्बत अब नहीं है इंसान के अंदर। आजकल प्यार कैसा बन चुका है? अब तो नफसी नफसी हो गया है। अब प्यार नहीं, हवस ज्यादा है। हवस ज्यादा है, आज के बच्चों में भी हवस देखने को मिल रही है। आज के बच्चे जिस राह पे जा रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अरे उनको देखता हूँ तो समझाता हूँ, उनके समझ में आवे ना आवे हमारा काम है समझाना। हाँ, रास्ता बताना हमारा काम है, वो ना समझे वो उनका काम है, समझे। तो आपको क्या देख के आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए? आपको क्या देख कर बुरा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए? क्या चीज? ऐसे आज के बच्चे जो कर रहे हैं जो कांड, तो कैसे कैसे कांड कर रहे हैं, कुछ कांड बताएंगे आप? अरे गंदा भी करते हैं, समझे, अच्छा भी करते हैं। तो आपकी शादी किस साल में हुई थी? हमारी शादी हो गई आज कम से कम 40-40 साल हो गया। मतलब आप गोवा गए, गोवा से आए तभी शादी हुई या उससे पहले? उससे पहले। आप गोवा अकेले गए थे या अपने मलकिन को साथ लेके गए थे? नहीं, गोवा हम गए थे, अकेले गए थे। अच्छा, हाँ। अब मुंबई भी अकेले गए थे? अकेले मुंबई में थे हम। भदरसन आपको कैसा लगता है? भदरसन में बस खाते पीते मस्त रहो, और क्या है यहाँ, जो शान हुआ थी वो शान यहाँ नहीं है। अब जो चीज हुआ मिलता है वो चीज यहाँ थोड़ी मिलेगी। हाँ, ये तो बात आपकी सही है। हाँ, जो चीज हुआ मिलता है वो चीज यहाँ नहीं मिलेगी, हर चीज का जो है वो है, और जो चीज यहाँ मिलेगी वहाँ नहीं मिलेगी। हाँ, जैसे कुछ बताएंगे जो वहाँ मिलती हो यहाँ नहीं मिलती हो? क्या बताएंगे हम, कोई सामान बताइए। यहाँ पे फल वगैरह और अच्छा से अच्छा सब चीज मिलता है, बेगर सीजन का मिलता है, यहाँ क्या मिलेगा, समझे। लेकिन जो सीजन का रहता है वो ज्यादा अच्छा होता है ना? हाँ, मगर वहाँ सीजन सीजन भी बारह मास मिलता है, हर चीज मिलेगा आपको। आपका यहाँ सबसे पक्का दोस्त कौन है? सबसे पक्का दोस्त कौन है आपका यहाँ? हमारे सब दोस्त ही है। नहीं, कोई एक आदमी होता है बेस्ट फ्रेंड होता है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारा हमारा जो है कौन होगा, कौन है ये तो बताइए। हमारे सब दोस्त हैं इस बात पे। तस्सन के बारे में क्या कहेंगे आप? तस्सन तो बढ़िया आदमी है, दिल खुश आदमी है। चाय पिलाते हैं आपको? वहाँ भी पिलाते होंगे। और प्रकाश कैसा आदमी है? प्रकाश, प्रकाश तो बेकार आदमी है। मैंने सुना है कि प्रकाश ने अपने बालों में डाई लगवाया था और पैसा भी नहीं दिया अभी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आदमी का जिस चीज से खर्चा चल रहा है काम करवा लिया जाए उसके बाद पैसा ना दिया जाए। तो अभी भी पैसा नहीं दिया आपको? नहीं। तो आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा पैसा? उम्मीद है थोड़ा बहुत इसको? आपको बोल रहे हैं उम्मीद है थोड़ा बहुत कि पैसा मिल जाएगा जो डाई लगाए हैं? वो मिले ना मिले उसका कोई टेंशन नहीं हमको। अब आपने उम्मीद छोड़ दी है? उम्मीद छोड़ दिया मैंने कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए आपने उसको समझ लिया होगा, दान धर्म कर दिया। हाँ, दान कर दिया उसको, दान खाते में डाल दिया उसको। तो अगर दोबारा वो डाई करवाने आएंगे तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब दोबारा दान नहीं करेंगे आप? नहीं, दान एक ही बार करेंगे, बस एक ही बार। और आपके मैंने पिछली एक वीडियो डाली थी जिसको काफी लोगों ने देखा, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? अब लोग अच्छे भी कहते थे और अच्छे भी सब तारीफ कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं। और जो आपके चाहने वाले हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, उनके बारे में दो शब्द बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम, दो शब्द बोल दीजिए उनके बारे में, अपने जो चाहने वाले हैं। अब चाहने वाले क्या हैं, हमारे तस्सन भाई हैं चाहने वाले। तस्सन भाई बढ़िया आदमी हैं और इज्जत भी करते हैं हमारे, हर चीज करते हैं वो, समझे। तो अच्छा, आप दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हैं? हम अब काम के ऊपर है, तब भी एक एवरेज होता होगा कि रोज कम से कम इतना कमा लेते होंगे। 400-500 का काम हो जाता है रोज? हाँ, रोज का। अगर यही मुंबई में होते तो हो सकता था डबल ट्रिपल मिलता। मुंबई में तो समझ लो 3,000, 4,000, 5,000 से डेली काम होता था वहाँ मुंबई में।
तो आपको मुंबई और यहाँ में क्या फर्क लगा? फर्क बहुत है, अब ये देहात पड़ जाता है, वो शहर है, वहाँ मुँह मांगी कीमत मिल जाती होगी, उतना मिलता भी नहीं। यहाँ 5 रुपए में दाढ़ी बाल दोनों कटवाने चले आते हैं लोग। हाँ, वो सोचते हैं कि 10 रुपए में दाढ़ी भी बन जाए, बाल भी बन जाए और जो बगल है वो भी बन जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, क्या बताएं ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ मुंह मांगी कीमत कोई नहीं देता है। 100 में से 1 आदमी आएगा जो मुंह मांगी कीमत देगा, बाकी जितने भी आते हैं सब समर मंगते टाइप के हैं। और आप कोई नशा भी नहीं करते हैं, आपकी सबसे अच्छी बात यही है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि चलो कुछ नशा करके देखते हैं, या बाहर भी गए आप, गोवा में गए, और गोवा में हर एक आदमी नशा करता है ज्यादातर लोग, तो आपने कभी सोचा नहीं कि चलो हम भी करके देखते हैं, मजा करते हैं? इसका कोई नशा वशा हमको कोई शौक नहीं था, नशे का कोई शौक ही नहीं हमारे पास, अब कुछ नहीं था। ना तो आप गुटखा खाते हैं, ना तो सिगरेट पीते हैं, ना पान खाते हैं, कुछ नहीं। हमको लोग बहुत कुछ कोशिश किया खिलाने के लिए, तो हमने उनको जवाब क्या दिया कि आज खिलाओगे कल हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए, समझे? स्टार्ट तो करवा देंगे लेकिन बाद में खिलाने थोड़ी आएंगे। वही तो। और दूसरी बात, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप इतने चुस्त और दुरुस्त और इतने मतलब तंदुरुस्त हैं, इसका राज क्या है? इसका राज यही है, खिलाने पिलाने में अपना सही करो, अपना खिलाने पिलाने की देखभाल करो। सुबह जो है आधा लीटर दूध, 2 बादाम, थोड़ा चना, यही सब खाते हैं और दूध पीते हैं आधा लीटर। हाँ, और बासी रोटी भिगो के उसमें खा लेते हैं अपना। और आपके बालों का क्या राज है? इतने घने बालों का राज क्या है? ओ, बाल का? हाँ, उसका ये राज है कि हमारा बाल जो है हम खरी से धोते हैं, साबुन नहीं लगाया कभी भी, खरी से धोता हूँ, कभी हमारा बाल ना टूटा और ना हुआ, ना झरा हुआ बाल। तो किस सरसों का खली लगाया जाए तो ठीक रहेगा? जैसे एक पीली सरसों आती है और एक काली आती है, तो कौन सा लगाया जाए? कोई भी लगाओ, चाहे पीली वाली लगाओ चाहे काली वाली, सरसों तो सरसों एक ही सरसों होती है। तो उसको किस तरह से लगाया जाना चाहिए? उसको पहले आप भिगो लीजिए, पानी में भिगो के, और जैसे साबुन लगाते हैं वैसे लगाइए, समझे? हाँ। आपका बाल कभी नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा तो हमको बताइएगा। और उसके क्या क्या फायदे हैं? उसके डेंटन नहीं होता सर में किसी के, और थोड़ी फुंसी नहीं होगी उससे, हर चीज का फायदा है, खुजली नहीं होगी सर में। तो आपको ये नुस्खा किसने बताया था? हकीम लुकमानी। अच्छा, ये कहाँ के थे? ये थे फैजाबाद के। अच्छा, तभी से आप इसको यूज कर रहे हैं? हाँ, तभी से यूज कर रहे हैं। नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।